आज के आधुनिक युग में मोबाइल हर किसी की जरूरत बन गई है, लेकिन मोबाइल ही जब आपको लुटेरा बना दे तो क्या हो। जी हाँ, गन्नौर का एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहाँ पर चार दोस्तों ने लूट की एक वारदात को अंजाम दे दिया और लूट की वारदात को अंजाम देने के पीछे का मकसद महज मोबाइल खरीदना था। बीती 1 मार्च को गांधीनगर निवासी जितेंद्र पर इन बदमाशों ने चाकू से हमला कर उसका मोबाइल फोन व रुपए छीन लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए थे। शिकायत मिलने के करीब 15 दिन के अंदर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया। ये मामला इस प्रकार से था, जांबा के दो लड़के कल अरेस्ट हुए हैं। ये हमारे इसमें आए थे, गन्नौर में आए थे। इनकी बुआ का एक जांबा से लड़का है, जिसकी बुआ यहाँ रहती है। तो उसकी जो बुआ का लड़का है, उसने कहा कि मेरे पास मोबाइल है। जांबा का एक लड़का था जिसने कहा कि मुझे फ़ोन की ज़रूरत है। उसने कहा कि मेरे पास मोबाइल है, आप आ जाओ फ़ोन लेके ले जाना। तो ये आए, उन्होंने फिर इकट्ठा चारों ने सलाह बनाई कि भाई हम इस प्रकार से, वहाँ से इंडस्ट्रियल एरिया है, काफ़ी संख्या में जो मजदूर लोग हैं उस रास्ते से आते जाते हैं। एक राउंड अबाउट है वहाँ पे नंबर 2, तो वहाँ जाके उन्होंने चारों ने एक सोची समझी रणनीति के तहत इस घटना को अंजाम दिया। दो ने इस पाके से घेर लिया था और एक लड़के ने चाकू मारा था, लेकिन 500 रुपये से छीन लिया। मोबाइल इन्होंने मोबाइल लेना था, उसके लिए लूट की वारदात। हाँ, ये जरूर, हाँ ये तो है ही, उन्होंने पैसे भी छीने हैं और मोबाइल तो की। तो ये जो आरोपी थे, पढ़ने वाले स्टूडेंट थे क्या? सर नहीं, एक तो इसमें मिस्त्री है और एक लेबर का काम करता है। जिसको चाकू लगे थे उसकी जान बच गई थी? हाँ, उसी जान। पुलिस ने शिकायतकर्ता जितेंद्र की शिकायत के आधार पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया। मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार आरोपी सुमित और साहिल पानीपत जिले में सनौली के गांव झांबा के रहने वाले हैं। आरोपियों ने बताया कि उन्हें मोबाइल खरीदना था और मोबाइल के लिए ही इस लूट की वारदात को अंजाम दिया था। बहरहाल अब आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है, ताकि अन्य वारदातों का खुलासा हो सके और 2 फरार आरोपियों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी।